वक्त हम मौजूद है मेरठ के डाकघर के पीछे, जहां पर आपको कुछ दिन पहले खबर आपको सुनने को मिली होगी कि जो डाकघर की जमीन थी वो नीचे धस गई है। जो निरीक्षण के लिए टीम आई थी, आज उन्होंने इस चीज़ का निरीक्षण किया है और जो इसमें ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आप मेरे पीछे डाकघर देख सकते हैं, जहाँ पर अभी जो काम है वो चल रहा है, जिसको लेकर आज जो आला अधिकारी थे, सांसद जी थे और जो उच्च अधिकारी है वो उसको लेकर आए थे। आज उनसे हमारी बात हुई है, आइए आपको उनसे बात कराते हैं क्या पूरा मामला है, इसको किससे, इसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है। नहीं, इस प्रकार का सवाल का सीधा उत्तर देना मुश्किल होता है, लेकिन अभी तो डेवलपर है, ठेकेदार है, एमडीए है, सबकी अपनी कुछ ना कुछ इसके अंदर लापरवाही का हिस्सा रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी जो बिल्डिंग डैमेज हुई है, एक तो जनधन की सुरक्षा हो जाए तो वो कर लिया गया है। आप देख रहे हैं पिछला हिस्सा है, उसके डिमार्केशन करने की टेक्निकल एक ऑडिटिंग करा करके उसकी योजना बनाई जाएगी, उसकी मरम्मत कराई जाएगी। मरम्मत है, डिमोलिशन करना होगा तो डिमोलिशन किया जाएगा, या अन्य किसी उपाय से उसको रेस्टेंड किया जा सके तो वो किया जाएगा। तो और साथ ही साथ जहाँ कहीं लापरवाही हुई है, जिस किसी विभाग से लापरवाही हुई है उसकी भी, उसका भी संज्ञान लिया गया है। यहाँ देखिए, सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे नगर आयुक्त महोदय भी हैं, हमारे एडीएम सिटी भी यहाँ पर उपस्थित है, डाक विभाग के भी बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, तो सबने मिलकर के इसको देखा है। हमारे जो नागरिक प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर हैं और सब बात ध्यान में आ गई है। तो अभी एक तो यही है कि इसकी जो बिल्डिंग टूटी है या डैमेज हुई है उसकी ठीक कर लिया जाए, जिसके कारण से टूटी है या हुआ है उसको कुछ उसका संज्ञान ले लिया जाए, उसमें जो भी कुछ दंडात्मक कार्रवाई करनी हो, निषेधात्मक कार्रवाई करनी हो वो कर ली जाए। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ जो सर्विस प्रदान करता है ये डाकघर, ये मेरठ का सबसे बड़ा डाकखाना है, सर्वाधिक ग्राहक इससे जुड़े हुए हैं, इसके लिए कोई वैकल्पिक स्थान को निश्चित कर दिया जाए ताकि वहाँ पर लोग डाकखाने की सेवाएं प्राप्त कर सके। तो ये विषय है, सब विषयों पर चर्चा हुई है। अरे भाई, नगर निगम बड़ी एक इकाई है, बड़ी जनसंख्या है, इस प्रकार के लीकेज पुराना सिस्टम कई बार रहता है, उसमें सीवरेज हो चाहे पानी की लाइन हो, ये होते रहते हैं, उसकी मरम्मत होती रहती है, पूरा एक डिपार्टमेंट डेडिकेटेड रूप से इस काम को करता रहता है, ये रूटीन बात है। ये जो घटना आगी है ये रूटीन से कुछ अलग है, इसके लिए कुछ विशेष सोचना पड़ेगा और विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे।